بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala असल वरि वर्कू इनशल आज हम जो है वो जिसके अपोजिट्स नहीं होते हैं उसमें लास्ट जो है इनशाला आज हम सिफत देखेंगे इनशा करीमिल चले ये सिफत कौन सी है इनशाला देखते हैं ये है सिफत जिसका नाम है गुन्ना ठीक है इसको गुन्ना नहीं करना है है मोटा पढ़ना इसको इसके मायने हम देख लेते हैं गना उस आवाज को कहते हैं जो नाक के बासी से निकलती है अब ये नाक का बासा क्या है इनशाला हम देखते हैं तस्वीर के जरिए हम इसको देखेंगे नाक का बासा के जहां से नून और मीम का गना जो है वो अदा होता है और ये किस तरीके से वो इनशाला आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखिए कुछ लोग जो है वो गुणना नहीं कर पाते तो उसके पीछे वजह होती है कि वो नून का मखरज ही सही से नहीं निकाल पाते इस वजह से वो गुणा भी नहीं कर पाते हैं चलिए देखिए इसके जो हर्फ है अगर नून मुशद्दा और मीम मुशद्दा होगा तो फिर आपको गुना करना है यानी अगर नून के ऊपर तशदीद आ गई या मीम के ऊपर तशदीद आ गई तो आपको गुना करना है सवाल उठता है कि कितनी देर हम गुना करें तो आप लिख लीजिए कि आपको जो है टू काउंट्स गुना आपको देना है टू काउंट्स का मतलब क्या है दो हरकत के बराबर दो हरकत यानी दो सेकंड के बराबर आपको जो है इसमें गुना करना है अब हम देखते हैं कि गुना होता कैसे है ये अब आप देखें कि यहाँ पर आपके सामने जैसे कि ये लिखा हुआ है जी अब आप देखें कि यहाँ पर आप जब इन बोलते इन बोलिए सिर्फ इन बोलिए आपने जब इन कहा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जब आपकी जो जबान है जबान का जो नोक है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर टच हो रहा है अन अन आप बोलिए अन अब यहाँ पर जब आप अन बोल रहे हो और इसने कंप्लीटली यहाँ से मुंह के जरिए जो आवाज निकलनी चाहिए उसको कंप्लीटली इसने बलॉक कर दिया है अन अन अब क्या है आवाज को निकलना है कहीं से तो आवाज जो है वो अपना रास्ता जो है वो नाक के हिस्से से नाक के जरिए से बाहर निकालता है और इसी वजह से ये ये हमारा जो नोसिल पार्ट है ये इस्तेमाल होता है इसीलिए हम इस पर जो है वो गुन्ना करते हैं इन आप मखरज जब पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है खैश्यूम खरज में आप देखोगे तो इसका नाम क्या है खैशुम इसका नाम है उसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि अब कि अब सवाल उठता है मीम में कैसे गुन्ना होगा तो मीम में गुन्ना करने के लिए आप चले मीम के मखरज से पहरे आइए अम 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 क्या हो रहा है ये होंठ आपके बंद हो रहे हैं जब ये होट बंद हो रहे हैं और इस आवाज को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये आवाज अपना रास्ता बदलती है और रास्ता बदल कर ये आवाज जो है वो नाक के वासे से यानी नाक के जरिए से बाहर आती है कैसे देखिए आपने कहा मिम। आवाज बंद हो गई आपके बंद जब बंद है तो भाई आवाज कैसे बाहर आएगी तो गुन्ना के जरिए जैसे है और कई कई मकाम पर आपको ये भी दिखता होगा इस तरीके से ऐसे और इसको हम नहीं मिम्मा ऐसे तो गुना मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कुछ इंशाल्लाह हम इसके जो है वो आ, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे आप देखें कि आपके सामने यहाँ पर नून के ऊपर तशीद है तो ये कैसे हो जाएगा इन वाह इन 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 देखिए इतना ज्यादा नहीं करना है सिर्फ आपको आवाज वाजे करने के लिए मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ दो है का ही तरीके से एक और आयत हम देखते हैं जिसमें मीम मुशरता है तो मीम उगना होगा वीना आपके लिप्स बंद है और गुन्ना करे गुन्ना करे बगैर आप इसको अदा नहीं कर सकती पॉसिबल ही नहीं है तो गुन्ना देखे के अच्छे से अदा करे इससे तिलावत में खूबसूरती जो है अल्हम्दुलिल्लाह आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे जो है सारे सिफात हो गए हैं आठ सिफात हमने देखे जिसके अपोजिट नहीं होते हैं असफीर है फिर अलीन है अतफाशी है उसमें अ है और इनहराफ है अलहमदिल्ला और कल कला इस तरीके से अलहमदिल्ला और इस तो भी है यानी सात आठ हमारे हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि सब आपको समझ आ गया होगा प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस के साथ ही चीजें आती आप ऐसा सोचेंगे कि भाई एक दफा वीडियो देख लिया हाँ मुझे समझ आ गया नहीं ऐसा नहीं है तजवीज सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करती हैं तो फिर कोई मकसद ही नहीं है आपका सीख कर तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ना समझ आए लाइव क्लासे पूछे मुझसे पूछे इनशाला اللہ کی حکم سے میں پوری طریقے سے اپ کی مدد إن شاء الله. جزاكم الله خير سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتغفر علينا انك انت التواب الرحيم امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته